हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया अभिदानपुर में। देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक टफ सिचुएशन है, जहां एक तरफ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही दिनों के बाद बैंकिंग एग्जाम्स का जो सीजन है वो भी शुरू हो जाएगा। और जब भी हम कोई एग्जाम देते हैं तो उस रिजल्ट का हमें इंतजार भी रहता है, लगता है कि जल्दी से जल्दी वो रिजल्ट आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सिचुएशन देखने को मिल रही है रिजल्ट और एग्जाम्स की। लास्ट ईयर भी देखने को मिली थी और इस साल भी जुलाई और अगस्त के बाद ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ आप कुछ एग्जाम्स देंगे और उसी दौरान वो रिजल्ट भी आने होंगे और कुछ अदर एग्जाम्स भी आपके कंडक्ट होने होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि रिजल्ट का इंतजार ना करो, नोटिफिकेशन का इंतजार ना करो, तैयारी ही करते रहो। देखो दोस्तों, अब जितना समय FCI और बैंक ऑफ इंडिया PU के रिजल्ट में लग रहा है, अब हर रिजल्ट में इतना समय नहीं लगता है। मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको टाइम पर देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो IBPS के हो, चाहे SBI हो, चाहे LIC हो। यही हाल नोटिफिकेशन का भी है, कुछ नोटिफिकेशन डिले हो जाते हैं, मैक्सिमम नोटिफिकेशन आपको टाइम पर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन रिजल्ट और एग्जाम्स की बात करें ना, तो जो रिजल्ट की सिचुएशन है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम आप दे चुके हैं, सिर्फ आपका वो रिजल्ट आना है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जो अपकमिंग एग्जाम की स्थिति है ना, वो आपके हाथ में है। अब रिजल्ट के चक्कर में वो स्थिति खराब भी हो सकती है अपकमिंग एग्जाम्स की, और वो स्थिति आप खुद बेहतर भी बना सकते हो। अब मैं रिजल्ट और एग्जाम्स की सिचुएशन पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहली और आखिरी बार सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है। अभी आपको अपकमिंग एग्जाम्स में यही सिचुएशन काफी बार देखने को मिलेगी। और मैंने हमेशा से आपसे कहा है, जहां एक तरफ आपके रिजल्ट्स आने हों, वहीं दूसरी तरफ अपकमिंग एग्जाम्स आने हों, तो उन दोनों में अपकमिंग एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आई होप कि आप इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। बाकी एक बार आप कमेंट में जरूर बताएं कि इस टाइम पर आपका सबसे ज्यादा फोकस रिजल्ट पर है या फिर अपकमिंग एग्जाम्स पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।